तो दोस्तों, सैमसंग की एम सीरीज पे नए फोन आते जा रहे हैं और हम सारे के सारे अनबॉक्सिंग आपको दिखाते जा रहे हैं। तो दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M31S नया फोन आ चुका है, जिसकी मैं अनबॉक्सिंग आज आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि फोन मेरे पास इन हैंड आ चुका है। और इस फोन के बारे में आपको सारी की सारी डिटेल्स बताऊंगा। और एक बात और बता दो, पोको M2 Pro भी मैंने ऑर्डर कर रखा है फ्लिपकार्ट से, वो थोड़ा डिले हो गया, 25 तारीख तक आ जाना चाहिए था लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो उसकी अनबॉक्सिंग भी मैं आते ही आपको दिखाऊंगा। तो फटाफट मैं दिखाता हूँ आपको सैमसंग गैलेक्सी M31S की अनबॉक्सिंग। दोस्तों, ये मैंने ऑर्डर किया था Amazon Prime से, और ये जैसे कि आप बॉक्स यहाँ पे देख ही पा रहे हो कि ये बॉक्स मेरे पास आ गया है। बॉक्स को करते हैं फटाफट अनबॉक्स और हम फोन को बाहर निकाल के करते हैं इस फोन की अनबॉक्सिंग। मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली फोन को बाहर निकालता हूँ, इसकी लेड को हटा के फोन के बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। और इसी के अलावा आपको कोई कंपेरिजन चाहिए तो A51 सैमसंग का मेरे पास डिवाइस है, इसके साथ मैं कंपेरिजन आपको दिखा सकता हूँ आप कहें तो। और मेरे पास OnePlus का नोड है, उसके साथ भी मैं आपका कंपैरिजन दिखा सकता हूँ, और Redmi Note 9 Pro Max भी है। किसी भी फोन के साथ कंपैरिजन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। तो इस फोन को निकाल लेते हैं बाहर। ये फोन मैंने मंगवाया है मिराज ब्लैक कलर में, एक ब्लू कलर में भी इसका वेरिएंट आता है लेकिन वो अवेलेबल नहीं था। मैं यहाँ पर फोन को तो साइड रखता हूँ, इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। इसके अलावा मैं एसेसरीज के बारे में आपको बता दूं तो ये लेड के अंदर हमें यहाँ पर पेपर वर्क देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें सिम टू इजेक्टर देखने को मिलता है, और इसी के अंदर हमें यहाँ पर कुछ पेपर वर्क देखने को मिलता है जिसको यहाँ पर ओपन करके हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, लेकिन किसी काम के तो है नहीं, हम साइड ही रख देते हैं। और दोस्तों, इसके साथ हमें कोई भी केस देखने को नहीं मिलता है फोन के अंदर, बॉक्स के अंदर। इसके अलावा बात करते हैं तो हमें यहाँ पर A to C टाइप की हमें यहाँ पर केबल देखने को मिलती है। और यहाँ पर मैं चार्जर की बात करूँ तो 25 वोल्ट का सुपर चार्जर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया, जो फ्लैगशिप कैटेगरी के जो फोन आते हैं वो वाला चार्जर इसके अंदर हमें दे रखा है। जो एस सीरीज के जो फोन है उन फोन के साथ हमें ये चार्जर देखने को मिलता है, जो कि हमें ये M31S के अंदर देखने को मिला है। तो दोस्तों, बॉक्स को हम थोड़ा साइड रख देते हैं और बात करते हैं डिवाइस की। तो हम इसे डिवाइस को रैपर से बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट लुक में ये फोन आपको ऐसा सा दिख रहा है जिसमें आपको स्क्रीन पे कोई भी प्रोटेक्टर हमें देखने को नहीं मिलता है, स्क्रीन गार्ड देखने को नहीं मिलता है। बैक साइड की मैं बात करूँ तो हमें यहाँ पर बैक साइड में भी कलर्स रिफ्लेक्शन करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये मेरे को बिल्कुल ब्लैक कलर तो इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है, ब्लैक के कुछ शेड्स देखने को मिल रही है। बहुत ही ग्रेडियंट कलर मुझे यहाँ पर देखने को लग रहा है, बहुत ही स्वीट। पीछे बैक कवर की मैं बात करूं तो ये पॉलीकार्बोनेट हमें यहाँ पर मटेरियल देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मेरे को सॉफ्ट मेरे को फील हो रहा है। और ये सैमसंग का ऐसा पहला एम सीरीज में फोन है जिसमें हमें बीच में फ्रेम देखने को मिलता है। तो फोन के सारे स्टिकर्स हटा लिए जाएं, स्टिकर हटाने में जो सुकून मिलता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। तो दोस्तों, बात करें फोन की तो फोन मेड इन इंडिया है बिल्कुल। तो ये जो डिवाइस है मेरे पास, ये है 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और दोस्तों, इसी के अलावा एक फोन और भी है, वो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। दोस्तों, मैं कर लेता हूं इस फोन को बूट, इतने में आपको बता देता हूं इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। लेफ्ट में हमें सिम स्लॉट देखने को मिलता है, टॉप में हमें नॉइस कैंसलेशन माइक देखने को मिल जाता है, और राइट साइड में हमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है हमारे पावर ऑन ऑफ बटन पर, और इसी के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं वॉल्यूम रॉकर्स। और बॉटम की मैं अगर बात करूं तो हमें यहाँ पर 3.5 mm जैक देखने को मिलेगा, टाइप सी चार्जर देखने को मिलेगा, और प्राइमरी माइक देखने को मिलेगा, और इसके अलावा स्पीकर ग्रिल हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसकी थिकनेस की बात की जाए तो यहाँ पर 9.3 इसकी थिकनेस हमें देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा इसके वेट की बात करें तो ये 203 ग्राम का हमें यहाँ पर ये फोन देखने को मिलता है, जहाँ पर इसमें 6000 mAh की बैटरी है, और जो कि हाथ में पकड़ने में भी बहुत अच्छी ग्रिप दे रहा है। तो बात करते हैं इसके मेन कैमरा की, तो हमें यहाँ पर ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि हमें प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है 64 MP का 1.8 अपर्चर के साथ, और 12 MP का हमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है, 5 MP का हमें मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है, और 5 MP का हमें डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें हम अपनी 4K रिकॉर्डिंग कर सकते 30 FPS के साथ। और सेल्फी कैमरा की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमें यहाँ पर 32 MP का हमें यहाँ पर कैमरा देखने को मिलता है विद 2.2 अपर्चर के साथ, और इसमें भी हम 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो बात करता हूँ मैं यहाँ पर इसके बायोमेट्रिक सिक्योरिटी की, जहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे मेरे वन सिंगल टैप पे ये कितना इंस्टेंटली अनलॉक हो जा रहा है, बिल्कुल एक सिंगल क्लिक करते के साथ। दोस्तों, ये मेरे Redmi Note 9 Pro Max से भी फास्ट इसमें अनलॉक होता हुआ मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। सीरियसली, मुझे सैमसंग में सबसे अच्छी चीज ये लगी कि इतना
कितना बढ़िया इसका फिंगरप्रिंट सेंसर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। स्क्रीन का जो इस पर रिस्पॉन्स आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट इसका स्क्रीन का रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है इसकी स्क्रीन। तो दोस्तों यहाँ पर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो हमें यहाँ पर वन यूआई कोर वर्जन देखने को मिलता है जो कि एंड्रॉइड वर्जन 10 पर बेस्ड है, और A51 की बात करूँ तो हमें यहाँ पर कोर वर्जन देखने को नहीं मिलता है। बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की, तो हमें यहाँ पर सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी A51 में हमें देखने को मिलता है। तो सैमसंग अपने 15,000 से 25,000 के बीच में जितने भी फोन है उसमें सेम प्रोसेसर देता है, एक्सिनोस 9611, और यहाँ पर माली G70 MP3 GPU हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये गेमिंग के लिए फोन बिल्कुल भी नहीं बना है, और इसी डिवाइस के अंदर हमें यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड गेम्स और ये फालतू के ऐप्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है जिन्हें आप इजिली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पर 6.5 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि सेंटर पंच होल के साथ आपको देखने को मिलता है, और बिलीव मी गाइस आपको 20,000 के अंदर ये पंच होल के साथ ही सबसे बेस्ट स्क्रीन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, और काफी बेजलेस भी है जो कि H2S आपको यहाँ पर स्क्रीन देखने को मिल जाती है जैसे कि आपको A51 के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये पहला फोन होगा जो सेंटर पंच होल के साथ 20,000 में आपको इतनी कमाल की क्वालिटी भी आपको देगा। सैमसंग दोस्तों बेस्ट डिस्प्ले के लिए जाना जाता है, बाकी डिटेल आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि कैसी आपको ये वीडियो दिख रहा है, आपको क्वालिटी आप देख पा रहे होंगे कि आपको कैसी मिल रही है। इसके अंदर कमी मुझे सिर्फ ये लगी कि इसके अंदर कॉर्निंग और ग्लास 3 दिया गया है जिसकी आप प्रोटेक्शन थोड़ी सी वीक रहेगी, बाकी मुझे स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। मेरे को ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग देखने को लग रही है, और दोस्तों यहाँ पर हमें 60Hz का डिस्प्ले देखने को मिलता है, 90Hz का डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है, बाकी हमें यहाँ पर AMOLED स्क्रीन देखने को मिलती है जो कि बहुत ही कमाल की है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ नई अनबॉक्सिंग के साथ।